हरे कृष्णा राधे राधे। बिहारी जी के चमत्कार की सत्य घटना में एक और बहुत सुंदर कथा बताती हूँ। कथा के बीच में जहाँ पे भी बिहारी जी की याद आए वही कमेंट करके जयकारा जरूर लगाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, मेरी श्यामा श्याम की जय। अब कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब स्वामी हरिदास जी महाराज सबको बिहारी जी का कृपा पात्र बनवाते थे। किसी जगह एक आयुर्वेदिक संस्थान में एक वैद्य जी थे, बहुत पहुंचे हुए, बहुत ज्ञानी और अनुभवी। एक समय जब वो रिटायर हुए तो बहुत खुशी खुशी घर आकर अपनी पत्नी से बोले, आज तक मैं संसार में रहा, अपने सब कर्तव्य गृहस्थी अच्छे से चलाई, आज मैं रिटायर हो गया हूँ अपने काम से और गृहस्थी से भी। बच्चों की सबकी शादी करा दी, उन्हें जीवन में सेटल कर दिया, अब मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में रहना चाहता हूँ, इसलिए जीवन का जितना भी समय बचा है वो श्रीधाम वृंदावन में रहूंगा। अब तुम बताओ, तुम मेरे साथ चलोगी या अपना शेष जीवन बच्चों के साथ गुजारोगी। पत्नी ये सुनी थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, फिर बोली, 40 वर्ष साथ रहने के बाद भी आप मेरे हृदय को नहीं पहचान पाए, मैं आपके साथ ही चलूंगी, जब आपके साथ ही मेरा नाता है तो मैं बच्चों के साथ क्यों रहूंगी। वैद्य जी बोले, कल सुबह ही वृंदावन के लिए चलेंगे। अगले दिन सुबह दोनों वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, अपने बच्चों को बुलाया और बड़े प्रेम से कहा, प्यारे बच्चों, हम जीवन के उस पार और तुम इस पार हो, आज से तुम्हारे लिए हम मर गए और हमारे लिए तुम, तुमसे तो हमारा सिर्फ इस शरीर का नाता है, असली साथी तो सबके श्री हरि ही है। बच्चों ने समझाने का रोकने का बहुत प्रयास किया, ये भी कहा कि अभी नहीं और 2-4 साल बाद चले जाना, अपने दादा दादी होने का सुख ले लो, छोटे नाती पोतों के साथ खेलो, फिर जब वे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब चले जाना। पर वो दोनों नहीं माने और चल दिए वृंदावन। बच्चों ने भी हार कर दुखी मन से विदाई दे दी। बच्चे बहुत संपन्न थे, उन्होंने कहा, आपके लिए वहां मकान ले लेते हैं, खर्चे के लिए पैसे लेके जाओ। पर वैद्य जी को पता था कि अगर साथ कुछ भी लेकर गए तो फिर वृंदावन के नहीं हो पाएंगे, यही इन्हीं के आश्रित रह जाएंगे। एक बार सुख सुविधा मिलती है फिर मन में कलयुग ही बसा रहता है, एक बार पैसे ले लो फिर बार बार हर महीने लगेगा पैसे आ जाए, जब जीवन में ऐश्वर्य आए तो भक्ति नहीं आती। इसलिए वैद्य जी ने कुछ नहीं लिया, उनका मन सिर्फ बिहारी जी के श्री चरणों का आश्रय चाहता था। सो बिना कुछ लिए वो दोनों चल पड़े, भगवान भरोसे जो होगा देखा जाएगा। वृंदावन आए तो बिहारी जी की कृपा से स्वामी हरिदास जी महाराज से उनकी भेंट हुई। स्वामी जी ने जब इनके बारे में सुना और इनका बिहारी जी के प्रति प्रेम और समर्पण देखा तो उनके गुजारे लायक चीजों का इंतजाम करवा दिया और एक छोटी सी कुटिया रहने के लिए दे दी। दोनों प्रेम से वृंदावन में रहने लगे, दोनों का आपस में बोलना चालना भी कम हो गया, केवल नाम जाप में लगे रहते और स्वामी जी का सत्संग सुनते, बाकी समय बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते। जैसा कुछ ठाकुर जी कृपा से उपलब्ध होता बनाते पकाते और प्रेम से श्री हरि जी को भोग लगा के खा लेते, किंतु अभाव का एहसास उन्हें कभी नहीं हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बच्चों के पास उन्हें ज्यादा सुख सुविधा थी, यहाँ उनके पास मोमबत्ती भी नहीं थी कि झोपड़ी में रोशनी कर ली, सोचते रोशनी करके क्या होगा, बस मन में बिहारी जी के दर्शन करते रहो यही बहुत है। हर समय उनका मन श्री जी और बिहारी जी के चरणों में पड़ा रहता, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बिहारी जी को समर्पित कर दिया था। एक समय की बात है, जाड़े का मौसम था, 3 दिन से दोनों ने कुछ भी नहीं खा था। स्वामी हरिदास जी महाराज से मिलने उनके शिष्य तानसेन जी आए हुए थे, इसलिए रोज का सत्संग भी नहीं हो रहा था, 3 दिन से दोनों झोपड़ी में ही थे, मन में बिहारी जी को याद कर रहे थे और मुख से नाम जाप कर रहे थे। भूख और ठंड दोनों ही बहुत सता रही थी, पर इस स्थिति में भी वो संतोष में थे, चेहरे पे दुख की कोई शिकर नहीं थी। संतोष के भाव से अचानक रात के समय दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। वैद्य जी ने उठ के दरवाजा खोला, देखा सामने एक बहुत सुंदर किशोरी खड़ी हुई है और बोली, स्वामी जी के यहाँ आज भंडारा था, उन्होंने आपके लिए प्रसाद भेजा है। वैद्य जी बहुत खुश हुए, पर प्रसाद के आने से नहीं, उस किशोरी की वाणी सुनकर ऐसा लग रहा था मानो बोलते हुए मुंह से फूल झड़ रहे हो, बहुत मधुर मीठी आवाज। वैद्य जी ने प्रसाद का टिफिन पकड़ा, तभी एक किशोर अंदर आया और दोनों के लिए गर्म बिस्तर लगाने लगा और बोला, स्वामी जी ने आपके लिए गर्म बिस्तर भी भेजा है। वैद्य जी और उसकी पत्नी बहुत हैरान थे, स्वामी हरिदास जी महाराज को मनी मन धन्यवाद दे रहे थे, ठंड में उनके पास बिस्तर नहीं है ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी, पर स्वामी जी ने अपने आप से उनका इतना ख्याल किया इसी से वे बहुत खुश हो रहे थे। तभी वैद्य जी की पत्नी बोली, बच्चों ध्यान से, हमारे यहाँ रोशनी का कोई प्रबंध नहीं है, कहीं चोट ना लग जाए। इतने में किशोर बाहर गया और मोमबत्तियों का डिब्बा और दिया सलाई लेकर आ गया, कोठरी में रोशनी कर दी।
अब वैद्य जी ने दोनों का मुख देखा, कंचन आभा सुंदर मुखमंडल, कहीं इन्हें नजर न लग जाए, इस ख्याल से वैद्य जी ने नजर घुमा ली। वैद्य जी की पत्नी ने पूछा, क्या तुम स्वामी जी के शिष्य हो? सुंदर युवक बोला, हम स्वामी जी के सेवक है, बहुत देर हो रही है, हम दोनों चलते हैं। कहकर दोनों चले गए। अब वैद्य जी और उनकी पत्नी ने पेट भर खाना खाया और गर्म बिस्तर पे सो गए। अगले दिन स्वामी जी का टिफिन वापस करने गए तो उन्होंने कहा, टिफिन तो हमारा है पर यहाँ कल कोई भंडारा तो नहीं था और ना ही उन्होंने कोई प्रसाद या अन्य सामान भिजवाया है। ये सुनकर दोनों सन्न रह गए, वे समझ गए कि सब बाकी बिहारी जी की कृपा है। दोनों को बहुत दुख भी हो रहा था क्योंकि बिहारी जी महाराज और करुणामयी राधा रानी को उनके कष्ट दूर करने के लिए स्वयं आना पड़ा। एक तरफ तो दोनों दुखी थे, प्रभु को परेशान किया ये सोचकर, और दूसरी तरफ अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे कि बिहारी जी और राधा रानी के कृपा पात्र बने। उस समय स्वामी जी और जितने अन्य वहां थे वे बहुत खुश थे बिहारी जी की कृपा पर। सबने जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन शुरू कर दिया। किसी ने बहुत खूब लिखा है, तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। मैं रोज गलतियां करता हूँ, तू फिर मुझे गले से लगाता है, मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। उम्मीद करती हूँ कथा पसंद आई होगी, अगर कहीं भी दिल को छुआ हो तो प्लीज शेयर जरूर करना, क्या पता किसी और को ये कथा सुनकर बिहारी जी की शरण मिल जाए, उसका विश्वास बिहारी जी पे और बढ़ जाए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।